पंडित कुमार गंधर्व का स्थान भारतीय शास्त्रीय संगीत में सर्वोपरि में मानता हूँ। उन्होंने संगीत में विचार करना सिखाया। आज की तारीख में ये कहा भी जाता है कि कुमार गंधर्व के पहले का भारतीय शास्त्रीय संगीत अलग था और अब कुमार गंधर्व के बाद का शास्त्रीय संगीत अलग है। मेरा नाम भुवनेश कोमकली, मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी हूं और गायक हूं। मैं पंडित कुमार गंधर्व जी का पौत्र हूं और पंडित मुकुल सुपुत्र मेरे पिता हैं। पंडित कुमार गंधर्व का जन्म कर्नाटक के बेलगांव के पास सुलभवी नाम की जगह पर 8 अप्रैल 1924 को हुआ। बचपन में सांगीतिक वातावरण था घर में और पिताजी संगीत से जुड़े हुए थे, लेकिन अपनी उम्र के 7वें साल अचानक से कुमार जी गाने लगे। सब लोग उनका गाना सुन के उस उम्र में इतने अचंभित थे, तो उनके पिताजी को लगा कि ये इसको मठ के स्वामी जी को बताना चाहिए। तो जब स्वामी जी ने वो सब चीज़ सुनी, वो इतने अचंभित हुए और प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि अरे ये तो साक्षात गंधर्व है, और तब से उन्हें कुमार गंधर्व इस नाम से जाना गया। लेकिन उनका मूल नाम शिवपुत्र कुमकली था। उस समय लगभग पूरे भारत में उस उम्र में उनके जलसे हो चुके थे और वो प्रसिद्ध थे, इस चीज़ के लिए प्रसिद्धि भी उनको मिली थी। ऐसे ही किसी एक जलसे में उनकी मुलाकात बोड़स जी से हुई। तब बोड़स जी ने जो सुझाव दिया उसमें उन्होंने देवधर जी का नाम कुमार जी के पिताजी को बताया, और उन्होंने बिल्कुल भी न विचार करते हुए उस उम्र में कुमार जी को लेकर बंबई पहुंचे और वहां छोड़कर बेलगांव चले गए। प्रोफेसर बी आर देवधर मेरे दादाजी 1936 में पंडित कुमार गंधर्व जी उनके पास सीखने आए और 1947 तक उन्होंने यहां पे रहकर सीखा दादाजी से, और उनकी गायन कला विकसित होने में इस विद्यालय की बहुत बहुत उनका योगदान है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत से घरानों का गाना उन्हें सुनने को मिला, क्योंकि वो बहुत एकदम एडवांस्ड थे मेरे दादाजी की ये घराना हमारा ये घराना है तो इस घराने की विद्या हमें नहीं सीखनी चाहिए या हमारी विद्या वहाँ नहीं जानी चाहिए, ऐसे उनके विचार नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने हर जगह उनको भेजा और हर जगह से जो भी मिलता है उनको चुनने को कहा। उस समय भी उनकी महफिलें चल रही थी। उस समय अचानक से वो बीमार पड़ गए, तब वो टीबी के असाध्य रोग से पीड़ित थे, और टीबी के कारण ही उनको चिकित्सकों ने यह सुझाव दिया था कि आपने किसी ऐसी जगह पर जाकर रहना चाहिए जहाँ का वातावरण शुष्क हो, ड्राई हो। उन्होंने देवास को चुना। यहाँ आए और उसके बाद में अगले 5 वर्षों तक उनको गाने की अनुमति तक नहीं थी। अभी अभी हमने कुछ समय पहले कोविड नाम की महामारी का सामना किया है। 15 दिन का आइसोलेशन, 30 दिन का आइसोलेशन, कुछ महीनों का लॉकडाउन, ये सब चीज़ें सबके जीवन में आई। उस समय कुमार जी के साथ क्या हुआ होगा जब वो 5 साल के आइसोलेशन में थे। भानुमती कुमार जी की पहली पत्नी थी, उनका प्रेम विवाह हुआ था और भानुमती खुद भी एक गायिका थी। 1947 में उनका विवाह हुआ था। उसी समय कुमार जी टीबी की चपेट में आ गए, तब भानुमती जी ने उनकी देखभाल की। भानुमती का निधन 1961 में हुआ और उसके बाद 1962 में कुमार जी का विवाह वसुंधरा ताई के साथ हुआ, और तब से लेकर 1992 तक यानी कि कुमार जी के गुजर जाने तक वसुंधरा ताई ने उनका साथ दिया।
सिर्फ घर पर ही नहीं बल्कि संगीत महफिलों में भी वो उनका साथ निभाती थी। कुमार जी जब देवास आए 5 वर्ष के समय में, उस दौरान उनके आसपास जो कुछ भी संगीत चल रहा था वो उनके कानों पर पड़ रहा था। यहाँ की लोक परंपरा बड़ी समृद्ध है और इस लोक परंपरा में लोकगीतों में हर विषय के लिए गीत हैं। सहेली झूला चढ़े तो डर लागे वो मन दूरो दूरो। उन सब लोकगीतों को सुनते समय उनको ये भी चीज समझ में आई कि इन लोगों के गाने का ढंग कुछ अलग है, स्वरों का लगाव कुछ अलग है, इनकी एक्सप्रेशन कुछ अलग है। सहेली मारी झूला दे धीरे धीरे झूला। उस एक्सप्रेशन को उन्होंने और उस स्वर लगाव को उन्होंने बहुत गहराई से समझना शुरू किया, उसके नोटेशन बनने लगे। लोक धुनों से ही राग की निर्मिति होती है, इस बात को उन्होंने इस माध्यम से सिद्ध भी किया और उन्होंने भारतीय संगीत को 11 नए धुन उगम रागों से परिचित कराया। राग एक स्वर समूह नहीं होता, एक स्केल नहीं होता। सारे ग प ध सा सा द ब ग रे सा, ये भूप नहीं है। सा प ध सा रे ग रे ग प ध ब ग रे ग सा, ऐसे उसकी एक गेट होती है, GAIT गेट या चलन होता है। तो रोग नाविन्यता के इच्छा से मकसद से राग के स्केल को उलट पलट कर देते और उसको नवीनता समझते। कुमार जी ने ऐसे नहीं किया। कुमार जी का संगीत विचार जो औरों से अलग था वो ये था कि राग की एक धुन होती है, इसको लोक धुनों के अभ्यास से और पुष्टि मिली। और जिन लोक धुनों के राग नहीं बन पाए थे या जो राग रूप प्राप्त नहीं हुए थे, वो उन्होंने 11 धुन उगम राग बना करके उसकी पूर्ति की, उस कमी की पूर्ति की। दूसरा, जिन प्रतिष्ठित स्वाभाविक पुरातन रागों की लोकधुन नहीं मिलती है, उन रागों की लोकधुन उन्होंने या धुन उन्होंने खोज निकाली और राग संगीत को अधिक समृद्ध किया। मालवा में निर्गुण संतों की भी एक बड़ी गहरी परंपरा रही है। शिलनाथ बाबा करके बड़े संत यहाँ पे थे, उनके यहाँ उपस्थिति, उनके यहाँ होने के कारण बड़े पैमाने पे निर्गुण संतों का एक माहौल था यहाँ पर। और वो जिस ढंग से भजनों को गाते थे, वो और किसी के लिए नहीं गाते थे, वो अपने लिए गाते थे। और इन सब चीज़ों का प्रभाव उनके गाने पर हुआ। इसके बाद कुमार जी ने कबीर और नाथपंथी लोगों के जो भजन हैं उनको श्रोताओं के सामने लाया। निर्भय निर्गुण म्हणजे काय? तर एकतर तुम्ही निर्भय निर्गुण यानी पूरी तरह से भयमुक्त होना, और निर्गुण यानी कबीर ने कभी सगुण भक्ति नहीं की। उन्होंने मूर्ति पूजा और सगुण भक्ति को नकारा। अभी हम आसपास जो देखते हैं, जिस तरह से मूर्ति पूजा को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, उसे देखें तो कबीर ने उस दौर में मूर्ति पूजा का विरोध किया था। कुमार जी के भाषा में कहें तो उन्होंने कबीर की वीरानियत और फक्कड़पन, इन दो बातों को रेखांकित किया है। वीरानियत यानी तन्हाई, तन्हाई में ही आप नई चीज की खोज कर सकते हैं। एकांतातच तुम्हाला शोध लागू शकतो। फक्कड़पन यानी ब्लंटनेस, आप जो महसूस करते हो, आप जो मानते हो, उसे बोलने का धैर्य। कुमार जी ने मन ही मन में ये चीजें जान ली थी। ह्या गोष्टी अंतर्यामी कुमारजींना जाणवलेल्या होत्या। पंजाबी होटल में आप करेला मंगवाइए या भिंडी, वो एक ही ग्रेवी में डालते हैं। ऐसे किसी भी राग, कहीं उदास मारवा हो, उखड़ा हुआ मारवा हो, या भावभीनी बागेश्री हो, या आक्रामक देशकार हो, या शांत रस वाला भूप हो, सब उसी को उसी ग्रेवी में डाल करके और आप अपने घराने के अनुसार उसकी बढ़त हुआ करती थी। कुमार जी ने ये उग्र अनुशासन ठुकरा दिया।
कभी वो जयपुर घराने के वेरी स्पेसिफिक टू द पॉइंट ऐसा गाते थे, तो कभी ऐसे ग्वाले रंग से गाते थे। तो ऐसा एक वो गुलदस्ता था जो उनके सबकॉन्शियस से उनके गाने में उतरता था। पर दादाजी के रूप में मैं उनको बचपन से देख ही रहा हूँ, बल्कि पिता के रूप में देख रहा था, और जितना लाड़ प्यार उनका मैंने पाया है उतनी फटकार और डांट भी मैंने ही खाई है, यहाँ तक कि पिटाई भी लगी मेरी। तो मेरे बचपन में घर का वातावरण पूरा संगीतमय था। सुबह से लेकर रात तक जो हमारी दिनचर्या थी मेरे बचपन की, उसमें मुझे नहीं लगता कि संगीत के अलावा कुछ भी था। बाद में आदरणीय वसुंधरा ताई ने जिस ढंग से कुमार जी के जीवन को, उनके संगीत को और परिवार को संभाला, जो उनका जो सांगीतिक परंपरा है उसको मुझ तक और कलापिनी ताई तक पहुंचाना और दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाना, ये उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। अब मेरे पास में जो लोग सीखने को पूछते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मुझे संगीत जिस तरह से सीखने समझने को मिला है, मैं उसी ढंग से उनको बताऊं। अभी के समय में इन लोगों के पास में जिस तरह से सांगीतिक वातावरण है, जो परिवेश है, उस परिवेश में बहुत कोलाहल है। बावजूद इसके उस मार्ग पर टिके रहना, उसको ढंग से करना और पेशेंटली करना, किस तरह से उस चीज़ को करेंगे, और यदि करेंगे तो जाएंगे बहुत आगे, इसमें कोई शक नहीं। आज कुमार जी के निधन को 32 साल हो गए। इन 32 वर्षों में आज एक ऐसी पीढ़ी हमारे पास खड़ी है कि जिसने कुमार जी को न देखा, सामने से न सुना, उनके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उनसे प्रभावित जरूर है और उनके बारे में जानने की चेष्टा जरूर है। तो उनको आर्काइव की शरण में ही जाना पड़ेगा और उन तक ये चीज़ें बहुत अच्छे फॉर्मेट में पहुंचे, उपलब्ध रहे, इसका पूरा प्रयत्न कुमार गंधर्व प्रतिष्ठान के माध्यम से किया गया है। पंडित कुमार गंधर्व का स्थान भारतीय शास्त्रीय संगीत में सर्वोपरि में मानता हूं। उन्होंने संगीत में विचार करना सिखाया, उन्होंने श्रोताओं को संगीत का आनंद कैसे लेना है उसका बोध कराया। इसलिए आज की तारीख में ये कहा भी जाता है, समझा भी जाता है कि कुमार गंधर्व के पहले का भारतीय शास्त्रीय संगीत अलग था और अब कुमार गंधर्व के बाद का शास्त्रीय संगीत अलग है।